मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईवीटी। तो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो के अंदर, पंजाब को जानो। पंजाब को जानो के अंदर हम जानेंगे आने वाले अपकमिंग जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं। तो रिसेंट जो सबसे नज़दीक जो पंजाब का एक एग्ज़ाम है, PSPCL का एग्ज़ाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये एग्ज़ाम जो है, उसके अंदर पंजाब से जुड़ी हुई जानकारी जो पूछी जा सकती है, उसको लेकर आज मैं कुमार संभव आपके सामने हाजिर हूँ मेक माई एग्ज़ाम की तरफ से, पंजाब को जानो नाम के इस शो के अंदर। तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि ये स्लाइड जो है अभी हटा दें और अभी पहले कुछ गुफ्तगू कर लें हम अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद मैं स्लाइड्स और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन पहले हम जान तो लें कि कौन कौन से हमारे साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स, उसके बाद पंजाब की कुछ मुख्य बातों को जानते हुए फिर हम चलेंगे क्विक फैक्ट्स अबाउट पंजाब के बारे में, कि पंजाब की कुछ क्विक जानकारी जो हमें बहुत ज़रूरी होगी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे जो पंजाब लेवल का एग्जाम्स देना चाहते हैं, वो आज इस सेशन के साथ जुड़ जाइए और उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत बेनिफिट होगा आज कल और आने वाले दिनों के अंदर। जब तक PSPCL का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम पंजाब को जानो नाम का ये शो आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। जो पंजाब के वासी हैं, जो पंजाब के कंपिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल शो। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, और पूरे देशवासियों से भी अपील है कि अगर आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अलग अलग कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस हमारे अदर कंपिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तभी मैंने आज का जो लैंग्वेज चुना है उसे हिंदी चुना है, कि पंजाब के बच्चों को भी वो चीज़ समझ में आ जाए और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी बन सकते हैं, और पंजाब लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कौन से हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, रोहित गर्ग, नेहा, हकीकत, शिवम, अमित, नेहा, देन हरकिरण, ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी जुड़िए। मैं जी स्टूडियो दे विच हां, तुहाडे सामने हां, ठीक है? तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं आपां अज दा सिलसिला, अज दा प्रोग्राम, अज दा कार्यक्रम, जिहदा नां है पंजाब को जानो। तो पंजाब को जानो को हम जल्दी से शुरू करते हैं, और देखिए पंजाब से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको जानने से पहले हमें पंजाब के बारे में जानना होगा कि पंजाब का लिटरल मीनिंग क्या है, पंजाब का मतलब क्या है, और ये पंजाब जो है किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, किस तरह से अलग अलग समय के दौरान किन किन मतलब शासन के अंदर ये आया, और आज जो मॉडर्न पंजाब है वो कैसे बना, उसकी जानकारी लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ जो साथी हैं जिनको बहुत बेनिफिट होगा आज के शो से, वो ज़रूर हमारे साथ जुड़े जिनको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि पंजाब क्या है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब, तो पंजाब दो शब्द से मिलकर बना है, पंज प्लस आब, पंज प्लस आब। पंज का मतलब क्या होता है? फाइव, और आब का मतलब रिवर्स। तो पांच नदियों का जो प्रदेश, उसे हमने क्या बोला? हमने पंजाब बोला। तो पांच नदियों का प्रदेश, पांच रिवर्स का प्रदेश जो है उसे हमने पंजाब बोला। वो पांच नदियां कौन कौन सी हैं, लाइव कमेंट में फटाफट बताइए। मतलब पार्टिसिपेशन जो है ना, मैं मस्त चाहता हूं बच्चों से, और वो पार्टिसिपेशन जरूर बना रहना चाहिए। तो वो पांच रिवर्स कौन कौन सी, बहुत आसान सी रिवर्स हैं, वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो पांच प्लस आब, पंज प्लस आब, फाइव रिवर्स का जो देश है उसे हमने, उस प्रदेश को, उस राज्य को हमने क्या नाम दिया? पंजाब नाम दिया। तो पंजाब का जो नाम है यहां से ओरिजिनेटेड नाम है, और वो पांच रिवर्स कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल, नीरज जी आपका नाम भी ले लिया, चलिए जल्दी से जुड़िए यहां सा यहां पे। और बिल्कुल, लेकिन देखिए रोहित गर्ग जी, जो झेलम और चिनाब है वो मॉडर्न पंजाब में नहीं है, लेकिन जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं, जो एंशियंट पंजाब था, उसके अंदर वो पंजाब की बाउंड्रीज जो थी एंशियंट टाइम में गांधार तक फैली हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा मेडिवल टाइम पर आए और थोड़ा मॉडर्न टाइम में आए, तो पाकिस्तान, हिमाचल और हरियाणा को हम पंजाब ही कहा करते थे। लेकिन बाद में इसका डिवीजन हुआ, सबसे पहले इंडिया का डिवीजन हुआ, जिससे पाकिस्तान निकला, तो वो पाकिस्तान एक बड़ा पार्ट पंजाब के तौर पर निकला। फिर 1966 में फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पंजाब हुआ, 1 नवंबर 1966 को, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है वो नए राज्य बने। तो मॉडर्न पंजाब जो है, जो अभी का पंजाब है,
2018 का पंजाब है, डेफिनेटली झेलम और चिनाब जो है वो उसके अंदर नहीं है। बिल्कुल देखते हैं राहुल कुमार, बिल्कुल राधिका का भी आंसर जो है बिल्कुल सही है। प्रिंस जस्सल जी आईबीटी पठानकोट, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो राधिका मित्तल जो है वो आंसर दे रही है सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। ठीक है बिल्कुल, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, मतलब ऑलमोस्ट सभी का आंसर जो है वो सही है। तो ये जो रिवर्स है ना वो रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स, तो सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, इन रिवर्स जो है ये पांचों नदियों को मिलाकर जो हमने एक नामकरण किया वो नाम है पंज प्लस आब पंजाब। और देखिए बहुत सारे हमलावर, मतलब पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता रहा है और एंट्रेंस डोर भी बोला जाता रहा है। देखिए एक तरफ से हम हिमालय से घिरे हुए हैं और तीन ओर से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी, जितने भी इन्वेडर्स हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने पंजाब के रास्ते ही इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट आक्रमण किया। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आक्रमणकारी आए और जो एक एंशियंट हिस्ट्री के अंदर बात की जाती है वो एलेक्जेंडर का नाम आता है, सिकंदर का नाम आता है, जिन्होंने पंजाब के ऊपर, भारत के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उनको ब्यास नदी से ही वापस मुड़ना पड़ा। तो उन्होंने ग्रीक के जो निवासी हैं, ग्रीस देश के जो निवासी जिनको ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक ने पंजाब को क्या बोला, ग्रीक ने पंजाब को क्या बोला वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं तब तक इस चीज को रब करने के बाद आपको जरूर बताता हूं कि ग्रीक, जो ग्रीक वासी थे उन्होंने पंजाब को क्या बोला। तो ग्रीक वासियों ने पंजाब को बोला पेंटा पोटामिया, ग्रीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीक कॉल्ड पंजाब एज पेंटा पोटामिया। ठीक है, तो ग्रीक कॉल्ड पंजाब एज पेंटा पोटामिया, तो पेंटा का मतलब फाइव और पोटामिया मतलब रिवर। तो फिर अगेन वही चीज, उन्होंने भी अपनी भाषा के अंदर, उन्होंने भी अपनी भाषा के अंदर एक चीज जो है हमारे पंजाब को उन्होंने अपनी भाषा के अंदर पेंटा पोटामिया ही बोला। पेंटा मतलब पांच, पोटामिया मतलब रिवर्स। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीज है जरूर समझ में आएगी कि पेंटा पोटामिया, व्हाट ग्रीक कॉल्ड पंजाब एज पेंटा पोटामिया, तो उन्होंने पंजाब को क्या बोला, पेंटा पोटामिया बोला। डेफिनेटली देखते हैं, बिल्कुल सही, पेंटो पोटामिया, पेंटा पोटामिया एक ही बात है बिल्कुल। और जो ऋग्वेद नेम है वो सप्त सिंधु हुआ करता था रोहित गर्जी, बहुत जल्दी। और सर पंजाब डे कब मनाया जाता, तो डेफिनेटली मैं वो भी बताने जा रहा हूं। तो पेंटा पोटामिया जो है ये ग्रीक वाले हमें बुलाते थे, और पंजाब जो है ये हमारा एक नाम जिसमें पंज प्लस आब पांच नदियों का शहर, पांच नदियों का प्रदेश, जिसे पंजाब बोला गया। और जो मॉडर्न पंजाब है, जो आज का पंजाब है, तो ये आज का पंजाब कब बना, तो मॉडर्न पंजाब वॉज फॉर्म्ड, मॉडर्न पंजाब वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, और इससे कौन से और स्टेट्स कार्व्ड आउट हुए थे, तो कार्व्ड आउट होने वाले और कौन कौन से स्टेट्स थे, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एचपी, हिमाचल प्रदेश एचपी। तो कार्व्ड आउट मतलब 1 नवंबर 1966 को लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पे बंटने वाला राज्य बना था पंजाब, और पंजाब से कौन कौन से राज्य निकले थे, हिमाचल और हरियाणा, ये दो राज्य 1 नवंबर 1966 को निकले थे। इसी वजह से 1 नवंबर को हम पंजाब डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 नवंबर सेलिब्रेटेड एज पंजाब डे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखिए भाषा के आधार पे बंटने की अगर बात करें, तो 1947 को जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी रियासतें होती हैं, नेहरू, पटेल और इनके कंट्रीब्यूशन के बाद वो रियासतें जो हैं वो इंडिया के अंदर जरूर आती हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद कुछ रीजन्स के अंदर, हमारे इंडिया के कुछ क्षेत्रों के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं भाषा को लेकर। जैसे अगर हम बात करें मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, देन आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स भी हुआ करते थे, और उन्होंने एक रिबेल, एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन किया और वो विशाल आंध्रा मूवमेंट के नाम से जाना गया, विशाल आंध्रा
आंदोलन के नाम से जाना गया, जहां पर उन्होंने डिमांड करी कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारी बोली जो है वो तमिल से बहुत अलग है, हमें तेलुगु चाहिए। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों ने अपनी भाषाओं की डिमांड कर दी। और 1953 में आंध्र प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बना, भाषा के धार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और भाषा कौन सी थी? तेलुगु। और धीरे धीरे 1956 तक आते आते हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ा, और हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 7th अमेंडमेंट को पास करना पड़ा, और बाकी बचे राज्यों को हमने भाषा के आधार पर बांटा। लेकिन उसके बाद 1966 में पंजाब को बांटा गया ऑन सेम बेसिस, दैट इज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर पंजाब भी बटा। और वो कब बटा? 1 नवंबर 1966 को। और उससे कौन से दो राज्य निकले? हरियाणा और हिमाचल। और देखिए, उससे पहले जो पंजाब है उसमें एक और रियासत होती थी। तो बिफोर, अगर हम बात करें 1953 से पहले हमारे इंडिया में 3 क्लास की स्टेट्स हुआ करती थी, 3 क्लास की, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट्स। ए स्टेट्स वो स्टेट्स होती थी जो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आते थे दैट टाइम। बी स्टेट्स को हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, मतलब रियासतें। और सी स्टेट्स मतलब अदर स्टेट्स जो कमिश्नरेट्स के अंदर आते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो यहाँ पे बी क्लास का एक और स्टेट हुआ करता था जिसको हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब के अंदर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसको हम क्या बोलते थे? पेप्सू बोलते थे। उसको हमने नाम दिया पेप्सू। जो हमारे पंजाब के वासी हैं वो पीआरटीसी की बसेस के ऊपर, पीआरटीसी के बसेस के ऊपर एक शब्द देखते होंगे लिखा हुआ, शान ए पेप्सू, शान ए पेप्सू। तो पेप्सू एक राजघराना होता था जिस राजघराने से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अभी करंट सीएम है हमारे पंजाब के, वो बिलोंग करते हैं। तो पेप्सू, PEPSU, पेप्सू स्टैंड्स फॉर पटियाला, पटियाला एंड ईस्टर्न ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। तो देखिए, तभी हमारे पंजाब के अंदर एक प्रिंसली स्टेट भी हुआ करता था जिसका नाम पेप्सू था, और पेप्सू की कैपिटल हुआ करती थी पटियाला। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मतलब एक डेंसिटी, उनका एक वंश जो था, उनका इनके ऊपर कंट्रोल था। तो पेप्सू के अंदर जो पटियाला और ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पूर्वी पंजाब के जितने भी प्रदेश और जितने भी जिले थे वो इसके अंदर आ रहे थे। तो हमारे पंजाब के अंदर हमारी बोली, हमारी कल्चर को लेकर एक आंदोलन चलाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। तो उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? उस आंदोलन को नाम दिया गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। सूबा का मतलब होता है स्टेट। पंजाबी सूबा मूवमेंट, पंजाबी सूबा मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह की अगुवाई के अंदर एक पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाया गया मास्टर तारा सिंह। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द कैची पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, तो ये इस यूनियन को अंदर करने के लिए, उसके बाद हमारे अपने पंजाब के एक अस्तित्व के लिए, एक एग्जिस्टेंस के लिए एक आंदोलन चलाया गया, पंजाबी सूबा मूवमेंट, पंजाबी प्रादेशिक आंदोलन जो है उसको एक हवा दी गई। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, तो मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन को बहुत मतलब समर्थन मिला, और 1 नवंबर 1966 को अल्टीमेटली पंजाब जो है वो, मॉडर्न पंजाब जो है वो अस्तित्व में आया। और 1 नवंबर को उसी के, हम आप कह लीजिए कॉमेमोरेटिव के अंदर, उसी की यादगारी में हम पंजाब डे मनाते हैं। तो होपफुली, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वायरी है तो जरूर पूछे। तब तक मैं व्यूअर्स के व्यूज लेता हूँ और कुछ क्विक फैक्ट्स की तरफ चलते हैं हम, और उन क्विक फैक्ट्स को जरूर करते हैं कि पंजाब से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां, कुछ फैक्ट्स जो है जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी जाती हैं, उन चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, PSPCL एग्जाम का जो पैटर्न है वो है 20 क्वेश्चन का, और 20 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सब्जेक्ट्स बहुत मेंशन किए हुए हैं। तो पंजाब जीके की अगर बात करें, पंजाब के क्वेश्चंस की बात करें, तो हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 20। तो उन 4-5 क्वेश्चंस के लिए और आने वाले अपकमिंग जितने भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए हम फेमस पंजाब से रिलेटेड जीके करने जा रहे हैं इस शो के अंदर, पंजाब को जानो, जिसका एपिसोड 1 आप अभी देख रहे हो लाइव स्ट्रीम के अंदर। और आने वाले शोज के अंदर इसी तरह से हम पेट क्वेश्चंस,
जिसे फेमस क्वेश्चंस बोलते हैं हम वो करेंगे, जहां से आपको एग्जाम के अंदर बहुत बहुत लाभ मिले। तो होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करोगे और बेनिफिट भी इसका जरूर उठाओगे। और जब तक हम आगे बढ़ेंगे तब तक हम व्यूअर्स के कमेंट्स भी ले लें। बिल्कुल एग्जैक्टली सभी जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो एग्जैक्टली हरियाणा डे भी जो है ना वो 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाणा डे, हिमाचल डे और पंजाब डे 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बैक बैक एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए पीएसपीसीएल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे पंजाब जीके में। रोहित गर्ग जी, आप थोड़ा सा अगर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जानकारी जो है उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, तो इतने क्वेश्चंस जो है वो नहीं बने थे। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं पॉजिटिविटी के साथ, अगर मैं बात करूं ऑप्टिमिस्टिक के साथ, अगर मैं बात करूं तो आशावादी हमें जरूर रहना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पंजाब जीके से आए, जिसके लिए हम ये शो लेकर आए हैं। और स्पेशली ये शो जो है आप सभी के लिए है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पंजाब के बारे में जान सके और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम के अंदर मिले। तो होपफुली आपको यहां तक तो जरूर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं और क्विक फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें अब स्लाइड दिखा दे। देखिए क्विक फैक्ट्स अबाउट पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां दी गई हैं उनको जस्ट आप स्क्रीनशॉट करिए। और ये जानकारियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। तो क्विक फैक्ट्स अबाउट पंजाब के बारे में, पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़, वी ऑल नो। और चंडीगढ़ इज द ओनली सिटी इन इंडिया जो तीन मतलब चीजों का राजधानी है, एक तो पंजाब की राजधानी, पंजाब की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल, और चंडीगढ़ इटसेल्फ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और चंडीगढ़ जो है वो भी अपनी खुद की राजधानी है। मतलब हमारे इंडिया में 7 यूटीज हैं, तो चंडीगढ़ खुद अपनी कैपिटल भी है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के कैपिटल के तौर पर भी उसको लिया जाता है, उसको उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चंडीगढ़ के बारे में अगर क्विक फैक्ट जाने, चंडीगढ़ के बारे में अगर एक बात जाननी हो तो चंडीगढ़ को हम क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ को हम सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानते हैं। तो चंडीगढ़ के बारे में अगर हम जाने तो चंडीगढ़ नोन एज सिटी ब्यूटीफुल, सिटी ब्यूटीफुल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का मतलब आप कह लीजिए कि पहला सिटी होगा जो मॉडर्न सिटी है और वेल प्लान्ड सिटी के तौर पर, वेल प्लान्ड वेल आर्किटेक्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है। और इनके आर्किटेक्ट का क्या नाम था, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ कौन, तो उन वो एक फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, और उनका नाम था ली कॉर्बिजियर, ली कॉर्बिजियर। ठीक है, आपको हो उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, ली कॉर्बिजियर, LECORBUSIER, ली कॉर्बिजियर, जो मूल रूप से फ्रांस, और उनकी नागरिकता फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों की थी। तो फ्रांस के रहने वाले एक आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्ट जिन्होंने चंडीगढ़ को प्लान किया था, चंडीगढ़ को बनाया था, तो उन्होंने सेक्टर्स में इसको डिफाइन किया और चंडीगढ़ हमारी कैपिटल बनी 1966 को। तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की क्या है, पंजाबी। हमारा जो एरिया है वो एरिया कितना है, तो एरिया देखिए 50,362। तो ये एग्जैक्टली पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो हम 362 स्क्वायर किलोमीटर, ये एग्जैक्टली पेपर में पूछा जाता है। एरिया इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो की बात करें, जेंडर रेशियो की बात करें, तो 893 फीमेल्स पर 1,000 मेल, तो 893 फीमेल है सेंसेस 2011 के अकॉर्डिंग, और सेंसेस 2011 के अकॉर्डिंग 893 फीमेल्स पर 1,000 मेल। और लिटरेसी रेट 76.6%, तो लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है हमारे पंजाब की वो 76.6%। दीज आर द कैची पॉइंट्स जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। देन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 22, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बाद, जिलों के बाद अगर हम बात करें तो असेंबली सीट्स की बात करें, तो देखिए असेंबली की अगर हम बात करें, विधानसभा की अगर हम बात करें, तो देखिए पंजाब के अंदर अगर हम लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जिसे हम
विधानसभा भी बोलते हैं, विधानसभा। और पंजाब जो है वो यूनिकैमरल है, मतलब एक हाउस है, एक सदन है पंजाब के पास। हमारे इंडिया में सिर्फ 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो बाइकैमरल है, मतलब वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये बातें हम जरूर अपने पॉलिटी की क्लास में करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पंजाब जो है वो एक यूनिकैमरल स्टेट है और उसके पास एक विधानसभा है। और विधानसभा की टोटल सीट्स कितनी है, तो टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा 117, 117 सीट्स है। तो टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा इज 117, 117 सीट्स है विधानसभा की। तो ये बहुत जरूरी एक आंकड़ा है जो आपको पता होना चाहिए, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हमारा और विधानसभा की सीट्स कितनी, 117, 117। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो होगी स्टेट की जानकारी, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की जानकारी हासिल करें और बात करें यूनियन पार्लियामेंट की, बात करें यूनियन पार्लियामेंट की बात करें, तो यूनियन पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ टू हाउसेस, वन इज राज्यसभा, राज्यसभा, अनदर इज लोकसभा। तो हमारे यूनियन पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा या हम उसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। लोकसभा, लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं हम इसे। तो ये दो जो चीजें हैं हम पंजाब के कंटेक्स्ट से कर रहे हैं, पंजाब को जानो कर रहे हैं। तो पंजाब के जानो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, 7, और लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, 13, 13। तो ये दो चीजें जो है, नंबर्स जो है, इसे जरूर याद कर लीजिए। राज्यसभा की सीट्स 7, लोकसभा की सीट 13, टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया जी 20, 20। तो ये जो चीज है इसे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और दोबारा रिपीट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा यहां से कि पेपर के अंदर कैसे कंफ्यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज करने का तरीका क्या होता है, वो पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट सीट्स इन, टोटल नंबर ऑफ एमपी सीट्स कह सकते हैं आप इसे, या टोटल नंबर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट सीट्स इन पंजाब। तो अगर हम बात करें एमपी सीट्स की, तो कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि राज्यसभा के एमपी को काउंट नहीं करते। तो अगर हम बात करें विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसे हम हिंदी या पंजाबी में विधायक बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी कंप्राइजेस ऑफ टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा की कितनी सीट्स, 7 है पंजाब में, और लोकसभा की कितनी है, 13। तो अगर वो टोटल नंबर ऑफ एमपी सीट्स इन पंजाब पूछे तो 20 उसका आंसर होगा, और अगर वो स्पेसिफाई करके पूछे कि राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं तो वो 7, 7, और अगर वो पूछे लोकसभा की कितनी है तो 13। लेकिन अगर वो कुल जोड़ पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एमपी सीट्स, एमपी अगर पूछे सिर्फ एमपी सीट्स कितनी है, तो वो 20 ही उसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। कोई क्वायरी है तो जरूर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे भी बढ़ेंगे हम, लेकिन पहले जानते हैं कि नहीं, मलेरकोटला जी अभी नहीं बना है, अभी प्रपोज्ड है। मलेरकोटला और फगवाड़ा ये अभी प्रपोज्ड है, लेकिन सून जो है वो जरूर बन सकता है। नहीं जी मुसाफिर गिल जी, अभी मलेरकोटला जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मलेरकोटला और फगवाड़ा जो है ये प्रपोज्ड है एज अ डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए, जिला बनने के लिए। और जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा, मेक माई एग्जाम के थ्रू, मैं कुमार संभव उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, 22 स्टेट्स ही हैं, 22 स्टेट्स ही हैं। आप मुझे यहां तक कंफर्म करिए कि आपको अभी तक की जानकारी जो है पंजाब को जानो की, इस क्लास की, इस लाइव सेशन की, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर, लाइव चैट में आकर आप यस 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 करके कंफर्म करिए मुझे, और मैं आगे बढ़ूं और आपको बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपको फैक्ट से रूबरू करवाऊं कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लोकसभा सीट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 13, राज्यसभा सीट 7, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वॉज गोपी चंद भार्गव। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे पंजाब के, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, वॉज गोपी चंद भार्गव। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेजेंट पंजाब चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। और पहले राज्यपाल कौन थे, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी, मतलब सीएम त्रिवेदी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, स्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1947।
तो वो जो दैट टाइम का पंजाब था वो तो 15 अगस्त को ही बना था, लेकिन जो मॉडर्न पंजाब है, और वो कब बना मॉडर्न पंजाब, 1 नवंबर 1966 को। और हमारे करंट सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और करंट गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर इज द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, वीपी सिंह बदनौर। तो करंट गवर्नर कौन है हमारे पंजाब के, गवर्नर ऑफ पंजाब इज करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। तो इसे जरूर याद रखना है हमने, वीपी सिंह बदनौर गवर्नर ऑफ पंजाब, वीपी सिंह बदनौर। तो होपफुली आपको यहां पे जरूर यस यस सभी कह रहे हैं, डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और जानते हैं कुछ और जानकारी जो पंजाब से रिलेटेड जानकारी और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए स्टेट सिंबल्स ऑफ पंजाब, स्टेट सिंबल्स जो है पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपके सामने नजर आ रहा है। स्टेट ट्री क्या है, टाली, मतलब जो पंजाबी जगह ही है ना, टाली का पेड़ जेड़ा ना, वो पेड़ साडा स्टेट राज्य का पेड़ है, ठीक है। स्टेट ट्री इज टाली, आल्सो नोन एज शीशम। तो शीशम का पेड़ जो है उसे पंजाबी में हम टाली का पेड़ बोलते हैं, तो टाली पेड़ इज द स्टेट ट्री, स्टेट सिंबल ऑफ पंजाब। स्टेट रिवर, मतलब देखिए अब इसकी जानकारी जो है कहीं कहीं कई किताबों के अंदर, किसी वेबसाइट्स के अंदर दिखाई गई है, लेकिन मैं इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्टेट रिवर इंडस को बोला गया है, जो खैर अब पंजाब के अंदर नहीं बहती है, तो इंडस को आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, ब्लैक बक मतलब काला हिरण जो है वो हमारे राज्य का जानवर है, स्टेट एनिमल के तौर पर इसे गिना जाता है। और स्टेट बर्ड इज बाज, तो स्टेट बर्ड कौन सा है, बाज, जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मतलब हाथों की और उनके मतलब श्रृंगार की शोभा बढ़ाता था बाज। तो बाज जो है वो भी हमारे स्टेट का एक बर्ड है, और वो बर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाज ब्लैक बक और ट्री इज टाली, तो ये जरूर याद रखना है, शीशम का पेड़ टाली पेड़, और स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, और स्टेट बर्ड इज बाज। होपफुली ये जानकारी भी आपको जरूर पता होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं कुछ और जानकारी। तो रीजन्स इन पंजाब जो है, पंजाब को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, पंजाब को हम 3 क्षेत्र में बांटते हैं, 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं, और वो एरियाज हैं माझा, माझा दुआबा एंड मालवा। देखिए पंजाब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज माझा, दुआबा और मालवा। माझा का मेन अर्थ है, माझा का मेन अर्थ है हार्टलैंड, मतलब दिल का प्रदेश। दुआबा का मतलब होता है 2 नदियों के बीच में, जैसे पंजाब क्या ना, तो ये दो आब मतलब 2 नदियों के बीच में। कौन सी 2 नदियों के बीच में, सतलुज और ब्यास के बीच की रिवर जो जगह है, सतलुज और ब्यास के बीच की जो जगह है वो है दुआबा। और मालवा भी एक प्रदेश है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे पंजाब के अंदर, सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ा रीजन है, जिसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 12 जिले जो है मेन, जो 12 जिले हैं वो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो आते हैं, काफी सारे टाउन्स हैं, काफी सारे शहर हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो चीज है वो बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या इनके ऊपर व्यूज कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट लेडी सीएम वॉज रजिंदर कौर भट्टल। तो देखिए बच्चे भी आपस में जो है, सिमरन धालीवाल बहुत अच्छी जानकारी भी शेयर कर रही है। बिल्कुल सभी जानकारी जो है वो बिल्कुल, अभी जो फिलहाल जो रिवर्स है ना वो 2 ही रिवर्स हैं, लेकिन इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हुए ये 5 नदियों का प्रदेश माना गया है और इसे पंजाब ही बोलते हैं। तो मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि हमें पिछली स्लाइड के ऊपर ले जाएं, और पिछली स्लाइड प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ले जाएं बिल्कुल, और उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम दे दें बच्चों को। नेक्स्ट स्लाइड मूव करिए, एक नेक्स्ट स्लाइड हम जाएंगे। हाँ बिल्कुल, रीजन्स इन पंजाब जो है माझा, तो माझा स्टार्ट्स नॉर्थवर्ड फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास एंड स्ट्रेचेस अप टू द वाघा विलेज विच मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वाघा विलेज तक ये स्ट्रेच करती है, और जो इंडिया पाकिस्तान का एक बॉर्डर भी है। माझा इन पंजाब मीन्स द हार्टलैंड, माझा का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग क्या है, हार्टलैंड। द रीजन इज डिवाइडेड इन टू 2 डिस्ट्रिक्ट, तो माझा के अंदर कौन से 2 जिले आते हैं मेनली, तो अमृतसर एंड गुरदासपुर को हम
माझा के अंदर काउंट करते हैं, और माझा जो है वो कहां तक स्ट्रेच करती है, तो वाघा विलेज तक स्ट्रेच करती है, ब्यास से लेकर, रिवर ब्यास से लेकर वाघा बॉर्डर तक, जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां तक इसे स्ट्रेच किया गया है, और उस रीजन को माझा रीजन बोलते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग है हार्टलैंड, और उसके अंदर दो जिले आते हैं, अमृतसर और गुरदासपुर। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं और जानते हैं कुछ और जानकारी इससे रिलेटेड ही, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। रीजन्स ऑफ पंजाब, दुआबा, तो दुआबा ऑफ पंजाब इज बाउंडेड बाई द रिवर सतलुज एंड द साउथ, साउथ की तरफ सतलुज और ब्यास इन द नॉर्थ, ब्यास जो है नॉर्थ की तरफ है, और एरिया इज डिवाइडेड इंटू फोर डिस्ट्रिक्ट, और देखिए दो नदियों के बीच, दो आब, दो मतलब दो और आब का मतलब नदी, तो कौन सी दो नदियां सतलुज और ब्यास के बीच में, कौन से चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला एंड होशियारपुर। इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा शहर या डिस्ट्रिक्ट जो है वो माझा का हिस्सा नहीं है, या दुआबा का हिस्सा नहीं है, या मालवा का हिस्सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फोर डिस्ट्रिक्ट है दुआबा के अंदर, और वो कौन कौन से हैं, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला एंड होशियारपुर। तो जालंधर, नवांशहर, कपूरथला एंड होशियारपुर, दीज आर दी फोर डिस्ट्रिक्ट्स जो किसके अंदर आते हैं, दुआबा के अंदर आते हैं, सतलुज और ब्यास नदी के बीच के स्थान को दुआबा बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी रिलेटेड टू मालवा। तो एरिया साउथ ऑफ द रिवर सतलुज, सतलुज के दक्षिण में, सतलुज के साउथ में जो एरिया उसे मालवा बोलते हैं। मालवा द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 12 डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर द नेम्स ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स। तो ये जो 12 जिले जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं, वो जिले इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, लुधियाना मेन, मतलब लुधियाना जो है उसका मेन एक एरिया है मालवा का। देखिए अमृतसर, माझा, दुआबा से जालंधर याद कर लीजिए, और मालवा से लुधियाना याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा आप। तो बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर। नवांशहर देखिए इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये आपकी टाइपिंग एरर कह सकते हैं आप इसे, ये मेरी गलती है, मेरी ओर से गलती है, तो नवांशहर को आप यहाँ से हटा सकते हैं। पटियाला, रोपर एंड संगरूर, तो नवांशहर को यहाँ से प्लीज आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि नवांशहर ऑलरेडी हम लोगों ने दुआबा एरिया के अंदर कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, रोपर और संगरूर जो है वो एरियाज मालवा एरिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं, देखिए हमारे पंजाब के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज एंशंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। एंशंट में अगर हम बात करें बिफोर क्राइस्ट की, तो बिफोर क्राइस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उसके बाद हड़प्पा, और उसके अलावा सिकंदर और एलेक्जेंडर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, पंजाब को जानो के अंदर। देन अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मुगलों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कि पंजाब के ऊपर उसका क्या असर हुआ दिल्ली सल्तनत का, देन मुगल एम्परर, और उसी दौरान जो है हमारे सिख गुरु की हिस्ट्री को कोई भी नहीं भुला सकते हैं। तो पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती रही है, और हमारे पंजाब के अंदर मजॉरिटी जो है वो सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और जो सिख के मतलब धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, तो सिख धर्म का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि द लर्नेड, जो विद्वान है, जो सीख गए हैं, जो सीख गए हैं उसे हम सिख बोलते हैं, और जो उनकी उनके धर्म का जो मतलब प्रचार प्रसार और उनके धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना मानी जाती है कि श्री गुरु नानक देव जी ने करी थी, और गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ, और उसके बाद अलग अलग 10 गुरु हुए, ठीक है, गुरु नानक देव जी के बाद। देन गुरुओं के नाम अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, इस तरह से हमारे पंजाब में सिखों के अंदर 10 गुरु हुए, और अंतिम गुरु पिता, दशमेश पिता, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये जो 10 गुरुओं की हिस्ट्री रही है, उनके अंदर वो गुरु जी ने कौन से शहर स्थापित किए, गुरु जी ने कौन से किताबों की रचना करी, कौन से ग्रंथों की रचना करी, कौन से एक फेस्टिवल को स्टार्ट किया, किस ट्रेडिशन को उन्होंने खत्म किया या उसे स्टार्ट किया, इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे पंजाब लेवल के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये एक मेजर पार्ट है सिख गुरु हिस्ट्री का, और इसे हम एक अलग और एक सेपरेट लेक्चर के अंदर हम जरूर करेंगे, डिटेल में करेंगे। जस्ट मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि
कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ क्विक फैक्ट्स जिससे आप एक पटरी पे आ जाइएगा, एक ट्रैक पे आ जाइएगा, जिससे हमें पंजाब की जीके जो है वो और भी आसान लगेगी। तो सिख फेथ केम इन टू लाइट इन पंजाब रीजन ड्यूरिंग 15th and 16th century। गुरु नानक देव जी फाउंडेड अ न्यू रिलीजन फॉलोड बाय 9 गुरुज। पहले गुरु नानक देव जी, उनके बाद 9 गुरुज हुए। गुरु रामदास लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट सिटी अमृतसर। अमृतसर की स्थापना और नींव पत्थर जो है वो गुरु रामदास जी ने रखा था। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और तब तक व्यूअर्स के व्यूज भी जानेंगे। बिल्कुल exactly, इस चीज को मैं जरूर कंफर्म कर दूंगा। आप इस चीज चिंता मत करें कि मालवा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये टिपे एक हमारी टाइपिंग एरर है, उसको जस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। और रीजन जो है वो है माझा, दोआबा और मालवा। इसको हम अभी, ये आज कोई आखिरी लेक्चर नहीं है, मैं कल भी मिलूंगा आपसे, सैटरडे को भी मिलूंगा आपसे, तो हम हर रोज मिलेंगे यहाँ पर आपसे। तो पंजाब को जानो के अंदर इन सभी जानकारियों को हम अप टू डेट करते रहेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो जितने भी क्विक फैक्ट्स हैं उनको समअप करके, मतलब अगर सेपरेट करके करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमारी एक कोशिश जो है, और एक एक्सपर्ट के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी चीजों को समअप करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैं एमसीक्यूज भी आपके सामने लेकर आऊंगा जो प्रीवियसली आस्क किए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जहां से आपको आइडियाज भी मिलेंगे। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स की क्लास भी जरूर होगी। तो देखिए, गुरु अर्जुन देव जी कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ जिसको पंजाबी में आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ बोलते हैं, उसको कंपाइल्ड किन्होंने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। और उनका फुल वर्जन जो है उसको किन्होंने कंपाइल किया? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कंपाइल्ड किया। कहाँ पे कंपाइल्ड किया? तो गुरु की काशी तलवंडी साबो बठिंडा के अंदर उनको कंपाइल्ड किया। उनके बाद उनके जो पुत्र थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने उनके ऊपर एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सिख मिलिट्री, मतलब सिखों की एक सेना जो है ना, उनकी सृजना करी थी। कि सिख जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों और पढ़ाई लिखाई और सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार में ना रहे, सिख जो है वो मिलिट्री करके, मतलब मुगलों का एक इतना अत्याचार हो चुका था, उस अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने के लिए जरूरत बन पड़ी थी कि अपनी भी एक मिलिट्री हो, अपनी भी एक सेना हो। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को अपने मिलिट्री एक बनाई और उनको ट्रेन किया उन्होंने। और सिख अंपायर जो है 1801 से लेकर 1849 तक वॉज फॉर्म्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो सिख अंपायर को मिसल में बटे हुए थे, सिख अंपायर जो थे ना मिसल में बटे हुए थे, और उन मिसलों को इकट्ठा करने का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो महाराजा रंजीत सिंह जी को जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले सिख अंपायर किन्होंने मतलब बिल्ड किया था, तो वो थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो उन्होंने पहला सिख अंपायर जो है उसको बिल्ड किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और कुछ और जानकारी जो है उसे हम जरूर हासिल करेंगे, जिसे हमें द होलीएस्ट श्राइन्स हरमिंदर साहिब इज द सिटी ऑफ अमृतसर। द सिटी वॉज फाउंडेड बाय गुरु रामदास जी एंड द टेम्पल वॉज डिजाइंड बाय 5th गुरु गुरु अर्जुन देव जी। तो टेम्पल को किन्होंने डिजाइन किया और किन्होंने उनकी सृजना करी? गुरु अर्जुन देव जी ने। और उनका नींव पत्थर, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो स्वर्ण मंदिर का नींव पत्थर किन्होंने रखा था? ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत बार ये पंजाब लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमिंदर साहिब और गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन किन्होंने डाला था? ये जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑफ द 5 तख्त ऑफ सिखिज्म, तो 5 तख्त हैं सिखिज्म के अंदर, 5 तख्त जिसमें से 2-3 जो है वो अभी भी पंजाब में है, और उसके बाद जो 2 है वो अदर स्टेट्स में, उसकी भी बात करेंगे। तो वो कौन से 3 जो है तख्त पंजाब में है? 5 तख्त है पंजाब के सिखिज्म हिस्ट्री के अंदर। और अगर हम बात करें 3 तख्त जो पंजाब में है, वो है एक हमारा अकाल तख्त साहिब जो गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने, एक जो गुरुद्वारा, अगर आप कभी भी गोल्डन टेम्पल गए होंगे तो अकाल तख्त साहिब जो है आपको जरूर दिखेगा वहां पे, देन दमदमा साहिब एंड आनंदपुर साहिब। तो ये 3 तख्त हमारे पंजाब में मौजूद है। उसके बाद पटना साहिब, जहां पे दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वो एक और तख्त, और एक नांदेड़ साहिब जहां पर हमारे दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति मतलब जहां पर हम कह सकते हैं कि वो शहीद हुए थे, जहां पर ज्योति ज्योत समाये थे, वो जगह कहां पे? नांदेड़ महाराष्ट्र में है। तो ये जो है 5, जिसे तख्त श्री
हजूर साहिब भी बोलते हैं जो नांदेड़ में है, पटना साहिब जो बिहार में है, और उसके बाद तीन तख्त जो है वो हमारे पंजाब में ही है, अकाल तख्त और दमदमा साहिब और आनंदपुर साहिब। तो जरूर आपको यहाँ से एक क्विक जानकारी जो है वो जरूर मिली होगी। तो देखिए यहाँ तक जो हमने किया है, सबसे पहले मुझे कंफर्म करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कंफर्म करने के बाद कुछ और जानकारी जो है हम उसे हासिल करेंगे। और पंजाब को जानो, ये कोई एक पहला एपिसोड है, आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे पंजाब जीके से रिलेटेड, जिसको मैं गारंटी करता हूँ कि यहाँ पे कराई गई चीजें जो है एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। देखते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मियाँ मीर जो मैंने क्वेश्चन पूछा, विजय कुमार और राधिका मित्तल, हरकिरण, नेहा, संगीता, मुसाफिर, हरजोत कौर, सभी का जो आंसर है वो सही है। हजूर साहेब मैंने बोल दिया, हजूर साहेब नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, उसके बाद पटना साहेब, ये दो कुछ अलग स्टेट्स है जहां पे अभी पांच तख्त में से दो तख्त जो है वो अदर स्टेट्स में, लेकिन बाकी तीन तख्त जो है वो हमारे पंजाब में ही है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ, हु लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल, तो ही वॉज अ सेंट, एक संत थे, एक पीर थे जिनका नाम था मियाँ मीर। तो साई मियाँ मीर लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल, तो साई मियाँ मीर, साई मियाँ मीर, साई मियाँ मीर हु लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल, तो स्वर्ण मंदिर का फाउंडेशन स्टोन किन्होंने रखा था, तो वो साई मियाँ मीर जी ने रखा था। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो है आपको आज का लेक्चर जो है वो जरूर पसंद आया होगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है, प्लीज इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स ऑफ पंजाब। तो अगर हम रिवर्स ऑफ पंजाब की बात करें, तो देखिए रिवर्स ऑफ पंजाब के एंशियंट नाम क्या थे, पुराने नाम क्या थे, वो पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एंशियंट नेम वॉज वितास्ता, वितास्ता या वितास्ता वॉज एन एंशियंट नेम ऑफ झेलम, और उसका ग्रीक नेम क्या था, हेडेस्पस, उसका ग्रीक नेम था हेडेस्पस, और वितास्ता वॉज एन एंशियंट नेम। चेनाब का, चेनाब का एंशियंट नेम था असिकनी, और चंद्रभागा, चंद्रभाग या असिकनी वॉज एन एंशियंट नेम ऑफ चेनाब, तो असिकनी या चंद्रभाग वॉज एन एंशियंट नेम ऑफ चेनाब। रावी का क्या नाम था, पारुषनी या एरावती, तो एंशियंट नेम ऑफ रावी वॉज परुषनी या एरावती। ब्यास का नाम विपाशा, बसु नहीं विपाशा, तो ब्यास का जो ओल्ड नेम था, एंशियंट नेम था विपाशा, और इसका ग्रीक नेम था हाइफसिस, तो ग्रीक नेम वॉज हाइफसिस और एंशियंट नेम वॉज विपाशा। उसके बाद सतलुज का नाम क्या था, सुतुद्री या सतलुद्री भी बोलते हैं, सुतुद्री भी बोलते हैं एंशियंट नेम, और जैरोड्रॉस वॉज अ ग्रीक नेम, और लेंगचेन खम्बाब इज वॉज अ तिब्बतन नेम। तो इस तरह के तिब्बतन नेम जो है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक नेम, ग्रीक नेम तो जरूरी है लेकिन तिब्बतन नेम जैसे क्वेश्चंस जो है पंजाब लेवल के, पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें झेलम, झेलम का एंशियंट नेम वॉज वितास्ता, चेनाब का एंशियंट नेम वॉज असिकनी, रावी का एंशियंट नेम वॉज परुशनी या एरावती, ब्यास का नाम विपाशा, सतलुज का नाम सुतुद्री। होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो हमने स्टार्टिंग जो है बहुत ही बेसिक से किया हुआ है, इसके अंदर आपको आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे, पंजाब को जानो कि इस लेक्चर में जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है पीएस पीसीएल स्टूडेंट्स के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके। तो जल्दी से जल्दी जुड़िएगा आप, और रिकॉर्डेड भी आप सुन सकते हैं बाद में, और इन चीजों को हम देख सकते हैं बाद के अंदर। तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि स्लाइड्स जो है अब उसे हटा दें, और उसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी कुछ आज जो है डिस्कस कर लिया हुआ है, और काफी कुछ जो है कल हमने डिस्कस करना है, और आने वाले एपिसोड्स के अंदर उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते व्यूअर्स के कुछ व्यूज ले लें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए तो सभी बच्चे जो है संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो हम कल जरूर मिलेंगे इसी समय, मतलब 11:30 के टाइम पर, और पंजाब को जानो के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आने वाले एग्जाम्स के अंदर हमें मदद मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।